हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम यासिर है और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को किस तरीके से लॉक कर सकते हैं। यानी कि आप अपने मोबाइल को किसी बच्चे के हाथ में देते हैं तो वो कोई वीडियोस वगैरह जो प्ले हो रही होती है उसकी स्क्रीन पर वो कहीं पर भी टच करता है तो वो वीडियोज़ जो आपकी प्ले होती हैं या कोई भी आप चीज़ उसको दिखाना चाहते हैं तो वो चीज़ वो वहाँ से हट जाती है। तो आप अपनी स्क्रीन को किस तरीके से लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप कोई वीडियोस देख रहे हैं जैसे कि यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे वीडियोस आप जैसे ही देखते हैं और अपने मोबाइल को अपने पॉकेट के अंदर डालते हैं तो वो मोबाइल की जो वीडियो होती है वो हट जाती है। तो ये स्क्रीन लॉक से ये होगा कि आपकी स्क्रीन पर जो भी चीज़ प्ले हो रही होगी वो उसी तरीके से प्ले होगी और वो आपका टच उस पर काम नहीं करेगा। तो अगर आपको ये देखना है तो मेरी ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लेदर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज इसके अंदर मैं डालता रहता हूँ और बहुत सी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, तो आप चाहें तो इसे इधर से देख सकते हैं और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्ले स्टोर में जाना है आपने और प्ले स्टोर में आपने ये ऐप सर्च करना है, टच लॉक। तो जैसे ही ये आ जाता है तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसके थंबनेल से आपको पता ही लग जाता है कि आप जैसे कि ये इस पर आया हुआ है, स्काइप पर ये बात कर रहा है। तो जैसे ही कोई भी बच्चा इस पर क्लिक करता है तो उसकी कॉल कैंसिल हो जाती है और ये देख लें वीडियो पॉज हो जाती है इस तरीके से। एक ये है पॉकेट में, ये देखें जो भी मैंने आपको इससे पहले बताया कि आप कोई भी वीडियो प्ले कर रहे होते हैं और जैसे ही आप अपना मोबाइल पॉकेट में डालते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो हट जाती है वहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं सॉरी इसे आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये कोई ज़्यादा बड़ी फाइल भी नहीं है, 4 MB का मुश्किल से ये ऐप होगा जो कि आसानी से आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखें ये मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो रहा है। तो हमारा जो ये ऐप है वो यहाँ डाउनलोड हो चुका है। चले मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको हाउ टू यूज़ यानी कि आपको ये यूज़ करना सिखा रहा है। ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन बार एंड टैप द टच लॉक, यानी कि आप ये नोटिफिकेशन बार को इस तरीके से ड्रॉप डाउन करेंगे और इस टच लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो लॉक है वो इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आएगा, उस पर जैसे ही आप इसे डबल टैप करते हैं तो आपका जो टच है वो अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और ये गॉट इट पर क्लिक करके इसे टच को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ मैं आपको अभी इसे यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर टच लॉक का आइकन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारी ये स्क्रीन जो है वो लॉक हो चुकी है। अब जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा वो जगह टच नहीं होगा। तो जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी स्क्रीन अनलॉक हो चुकी है। तो दोबारा से आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखें मेरी स्क्रीन लॉक हो चुकी है और मेरे नीचे जो फिज़िकल बटन होते हैं यानी कि ये पावर बटन वगैरह वो भी काम नहीं करते हैं सिवाय ये पावर बटन के। और यहाँ पर ये देखें ये आइकन जो आपको नज़र आ रहा है इस पर जैसे ही डबल टैप करता हूँ तो मेरी स्क्रीन सक्सेसफुली अनलॉक हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ वगैरह को आसानी से यूट्यूब से देख सकते हैं। तो
मेरी अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।